न्यू फ्रेश एपिसोड गाइस, कैसे हो सब? बढ़िया हो? तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज का जो दिन है वो बहुत ही ऑसम है, बिकॉज आज मैं फर्स्ट टाइम अपनी मम्मी को गिफ्ट करने वाला हूँ एक न्यू टीवी। और मैंने घर में बताया नहीं हुआ है कि मैं उनके लिए एक नया टीवी लेने जा रहा हूँ। एक्चुअली जो हमारा पुराना टीवी है वो ख़राब हो चुका है गाइस, तो मैं सोच रहा हूँ कि मम्मी को एक नया टीवी गिफ्ट कर दूँ। वैसे मम्मी बोल रहे थे कि पुराने टीवी को ले जा, ठीक करवा के ले आ, लेकिन मैंने घर में नहीं बताया हुआ है। और मैंने टीवी खरीद लिया है, मतलब मैंने ऑर्डर कर दिया हुआ है और पेमेंट वगैरह सब कुछ हो गया है। बस जाना है मुझे दुकान में और उठाते हैं फिर वहाँ से। वैसे मैंने थोड़ा नॉर्मली टीवी लिया हुआ है क्योंकि मेरा बजट ज़्यादा था। और ये जो टीवी है ना गाइस, ये मैंने खुद अपने पैसों से लिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने पापा से पैसे लिए हुए हैं, किसी से पैसे लिए हुए हैं, मैंने खुद अपने पैसों से लिए हुआ है भाई ये। और गाइस तुम्हारा भाई बहुत ही सुपर एक्साइटेड आज इस सरप्राइज़ को लेके। और आज हम रिएक्शन भी कैप्चर करेंगे कि मम्मी का क्या रिएक्शन रहता है। मार भी पड़ सकती है भाई, बिकॉज मम्मी ने कहा था कि पुराना वाला टीवी ठीक करवा लेते हैं, नए वाले की ज़रूरत नहीं है। तो भाई ये वही रोड है जो मैंने कुछ दिन पहले अपनी वीडियो में दिखाया हुआ था। इसकी कंस्ट्रक्शन अभी चली हुई है। इस रोड के बहुत ज़्यादा बुरे हाल हैं भाई। और फिलहाल हमारे साथ जो है पीछे चुन्नू बैठा हुआ है, मतलब जो हमारे चुन्नू भाई बैठे हुए हैं। थोड़ी इज्जत देने पड़ती है चुन्नू भाई को, देख लो चुन्नू भाई की शक्ल पीछे। अच्छा तो चुन्नू भाई को इसीलिए उठाया हुआ है क्योंकि अकेले मैं टीवी नहीं ले जा सकता था, काम था मेरे को थोड़ा सा, तो मैं वहीं से पिक करते हुए लेके आया मैं। और अब जल्दी जल्दी चलते हैं दुकान से, टीवी उठाते हैं। वैसे मैं बहुत ही सुपर एक्साइटेड हूँ और धूप भी निकली हुई है, लेकिन बारिश की छोटी छोटी बूंदें जो गिर रही हैं, तो बस डर ये है कि बारिश ना हो। अगर बारिश होगी तो फिर मेरे को लग रहा है आज टीवी नहीं ले जा पाऊँगा मैं। मान प्लीज़ बारिश थोड़ी देर बस रोक देना, क्योंकि मैं अपना सरप्राइज जो है वो नहीं करना चाहता हूँ। तब ये मंकल की दुकान आए थे केक लेने के लिए, चुनवाए ने केक लेने। यहाँ पे वैरायटी देखो भाई, क्या ही मिठाइयाँ, मिठाइयों को देख के तो जी बदल जाती है। लाइट वेट ही नहीं, लाइट वेट है। ऑडियो वीडियो पर आपने HDMI पर है ना, ये इनपुट पर गए और ये नीचे असर चलना वीडियो सामने सेलेक्ट कर दिया। तुसा घर आ जाना, इन तारा होंगी ना। हाँ वो तो फिर उसी हिसाब से कनेक्ट करना, ऑडियो की जगह ऑडियो वाली, वीडियो की जगह वीडियो वाली। सर बिल्कुल समझ गया, नीचे पीले में पीली, हाँ जी, स्पेयर में स्पेयर, ठीक है, और लाल में लाल, ठीक है। और जो आपने घर आ जाए करना, दो नाट लगाने, दो नट लगाने, लंबा वाला पासा आगे करना है, ठीक है ना। टूट बाज नहीं होनी चाहिए, नहीं नहीं वो नहीं होती। जब आपने इसको इसमें करना, ए जे टुंडू लगाने ना दूसरा है, हाँ जी, तो ए प्लेन टेबल मज रखना, मंजे मुंजे मत रख देगी तो भजी आंदा है, ठीक है। प्लेन टेबल मज रखना, टुंडू ना, ठीक है अंकल, इन्हें लगना है। फाइनली हमने जो है ये टीवी बाय कर लिया है, और ये टीवी हमें पड़ा हुआ है। आते बताता हूँ प्राइस आपको, पहले घर चलते हैं। कैसा एक्सपीरियंस है पहले मेरे को आप एक्सपीरियंस बताओ अपना, कि क्या हुआ, मतलब कहाँ पे ऊपर है, मतलब आपको क्या लगता है कि मैं जो डेली यहाँ से ट्रैवल करता हूँ, मतलब अप डाउन करता हूँ, तो मेरे को कितनी मुश्किल होती होगी भाई? मैंने सोचा था कि मम्मी को सरप्राइज करेंगे, लेकिन सीन ये हुआ कि मम्मी को पहले ही पता लग चुका था। एंड लेट्स सी हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और तुम इस हाल को देख रहे हो भाई, बारिश से पूरा भीग चुका हूँ, बारिश लग पड़ी थी यहाँ वक्त में, तो जल्दी जल्दी अनबॉक्सिंग करते हैं। और हम आपको तो पता है हम इसी से अनबॉक्सिंग करते हैं हमेशा, देख लो ध्यान से इस गैजेट को। हमारे पास जो था वो 32 इंचेस का था, एंड हमारा जो पुराना वाला टीवी था वो खराब हो चुका था, तो मैंने सोचा कि एक नया टीवी लेते हैं। तरना कैसा लगा आपको ये टीवी, अच्छा लगा तो लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और ये गिफ्ट हम अपनी मम्मी के लिए स्पेशल करें।